प्रभु जी तने से दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का हम जन्म जन्म के प्यासे हैं। हम प्यासे हैं प्रभु तुम करुणा के सागर हो। प्रभु तुम करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुण एक बूंद हमें एक बार मिले। एक बूंद हमें प्रभु जी तने से दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतने से दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। इस भगवान के पथ पर, अनंत के श्रेय के पथ पर, इस पूर्णता के पथ पर चलने के लिए आप संकल्पित हुए और इस 750 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाली इस दुनिया में ऐसे पूरी प्रामाणिकता के साथ इस संन्यास मार्ग पर, श्रेय पथ पर, इस अनंत के मार्ग पर चलने वाले बहुत थोड़ी आत्माएं हैं। मैं 2-3 बातें खास कहना चाहता हूं। इस बार हम जो महर्षि दयानंद का सपना था, ऋषियों की मेधा से युक्त मनुष्य निर्माण का, जिसमें 16 संस्कारों की हमारी प्राचीन परंपरा का उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया, उसके ऊपर बहुत बल दिया। और इस समय यद्यपि अलग अलग संस्कारों का उल्लेख अलग अलग कर्मकांड के ग्रंथों में और कुछ जिनकी के जीवन का ध्येय ही मात्र संस्कार कराना है या पौरोहित्य कर्म है,
अथवा कुछ गिने चुने कुलवंश होंगे पूरे देश में जहां ये 16 संस्कारों की परंपरा शेष है। माने 16 संस्कारों पर आज भी कोई एक प्रामाणिक पुस्तक है तो महर्षि दयानंद सरस्वती की संस्कार विधि है, लेकिन उस पर जो बड़ा कार्य होना चाहिए था कि 16 संस्कारों की प्रक्रिया के तहत मनुष्य का जन्म हो, माने गर्भाधार पुंसवन सीमंतों ने संस्कार, तीन संस्कार गर्भ में हो, फिर जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म कर्णवेद निष्क्रमणादि संस्कारों की जो परंपरा के बाद यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कार हो, और फिर वैदिक परंपरा के अनुसार उसकी शिक्षा दीक्षा हो, ऐसा क्रम इस देश में लगभग लगभग लुप्त प्राय हो चुका है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं कि पिछले 40 वर्षों में हमारी इस वैदिक विद्या की परंपरा, आर्ष विद्या की परंपरा, ऋषि ज्ञान परंपरा, जो भी हम इसके लिए शब्द प्रयोग करें, सनातन वैदिक परंपरा, आर्य हिंदू संस्कृति में जो एक हमारी श्रेष्ठ विद्या की परंपरा थी, लगभग लगभग वो समाप्त प्राय हो रही है। आज से 30-40 वर्ष पहले काशी बनारस वाराणसी में आपको कम से कम 500 से 1000 और प्रामाणिक 100-200 विद्वान अलग अलग विषयों के, व्याकरण के, न्याय के, दर्शन के, वेदांत आदि विषयों के और आयुर्वेद के, अलग अलग जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं उनके प्रामाणिक विद्वान, कम से कम 50-100 तो प्रामाणिक विद्वान और 500 से 1000 विद्वानों का वहां पर एक प्रभुत्व था, उनके उनका यश गौरव था। आज वो लगभग लगभग समाप्त प्राय है। पूरे देश में काशी को ज्ञान की नगरी कहा जाता है, अभी भी काशी में पढ़ के आए भाई, और उसकी इतनी बड़ी मान्यता थी पूरे देश में, इसीलिए महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय वो वहां स्थापित किया। दूसरी विद्या की परंपरा अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ दक्षिण भारत में, कुछ उत्तर भारत में, हरिद्वार ऋषिकेश आदि में, कुछ अलग अलग तीर्थों में थोड़ी बहुत शेष रही, कुछ आर्य समाज के गुरुकुलों में शेष रही, और वहाँ भी आज लगभग, मैं अधिक वर्षों 40 वर्षों की नहीं, पिछले मैं 25 वर्षों की भी बात करूँ, 25 वर्ष पहले जो मैंने विद्या की परंपरा हरिद्वार में देखी, ऋषिकेश में देखी, मैं एक स्थान विशेषों का नाम नहीं ले रहा हूं, लगभग वह लुप्त प्राय हो गए। और मैं क्योंकि वेद परंपरा, आर्य हिंदू सनातन वैदिक परंपरा का सन्यासी हूं, और महर्षि दयानंद हमारी उस आचार्य परंपरा के प्रामाणिक महापुरुष हैं, गुरु विरजानंद हमारी उस गुरु परंपरा के बहुत बड़े गौरव हैं, जो प्रज्ञा चक्षु होते हुए सब शास्त्र उनको कंठस्थ थे, और महर्षि दयानंद ने लगभग लगभग सारे उपलब्ध ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन किया, कितना बड़ा विद्या के क्षेत्र में उन्होंने पुरुषार्थ किया। आज वो परंपरा लगभग लुप्त प्राय हो चुकी थी। मैं इसको आत्मश्लाघा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं,
इस 125 करोड़ के भारत में यदि आज विद्या के क्षेत्र में और प्राचीन विद्या के क्षेत्र में, विशेष करके वेद विद्या के क्षेत्र में, व्याकरण दर्शन उपनिषदों से प्रारंभ करके वेद वेदांगों की शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में यदि पूरे भारतवर्ष में जितना कार्य हो रहा होगा, उस कुल मिलाकर के पूरे भारतवर्ष में अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग महापुरुषों गुरुओं के माध्यम से, तो उस सर्व से भी अधिक उन सब कार्यों की तुलना में भी उनसे कई गुना अधिक यदि कहीं कार्य हो रहा है इस आर्ष विद्या के क्षेत्र में, वो तो पतंजलि योगपीठ। और हमने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है कि व्याकरण दर्शन उपनिषदों से लेकर के वेद वेदांग जो हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा है, जो हमारी प्राचीन वेद परंपरा है, इस वैदिक ज्ञान परंपरा के लिए हमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ यहाँ पर करना है। 10 वर्षों में इसमें बहुत अधिक पुरुषार्थ यहाँ पर किया गया, अब उसका बड़ा परिणाम सामने आया कि आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग हमारे इन सैकड़ों सन्यासी आचार्यों और ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणियों के बीच शताधिक प्रामाणिक आचार्य के रूप में तैयार हो चुके हैं, शेष 2-3-5 वर्षों में हो जाएंगे। और कुछ ने अपना जीवन का यह ध्येय बनाया है कि विद्या के क्षेत्र में उनको एक बहुत प्रामाणिक पुरुषार्थ करना है। जब कोई कार्य है, हम देखते हैं कि इसमें मात्र एक दिशा से काम करने से बात नहीं बनेगी, तो हमने इसको अब 3 स्तर पर शुरू किया है। एक जो पहले बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अलग अलग शिक्षा दीक्षा पा करके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के मॉडर्न एजुकेशन पा करके, फॉर्मल एजुकेशन पा करके जो आए, उनसे हमने ये विद्या का कार्य प्रारंभ किया। यह एक क्रम है। और जो दूसरा क्रम है वो 5वीं कक्षा से ये पतंजलि गुरुकुलम का शुरू हो गया। आचार्य कुलम में वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का एक अलग प्रकार का प्रकल्प है, जिसमें हम वैदिक एजुकेशन की फाउंडेशन डाल करके उनको जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसी में ज़्यादा निष्णात कर रहे हैं। आज भी यदि कोई अमेरिका में संस्कृत का विद्वान, जर्मनी में, फ्रांस में या कहीं पर भी संस्कृत का विद्वान कोई हो, तो उसके लिए 5-10 लाख रुपए यानी करियर के रूप में अर्जित करना बहुत साधारण घटना है। अरे संस्कृत भाषा और शास्त्रों का बोध तो बहुत बड़ी बात है, जो हम लगभग 2-3 वर्षों में बीए और 2 वर्षों में एमए करा करके, 3 या 2 वर्ष में जो हम योग का उनको स्किल, योग की कुशलता दे देते हैं, उससे भी लोग लाखों रुपए कमा लेते, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है ये। लेकिन अभी हमने एक क्रम तय किया है कि लगभग 3-5 भाषा, विदेशी भाषाओं का सामर्थ्य उन विद्यार्थियों में पैदा हो जाए, क्योंकि भाषाएं बचपन में ही सीखी जाती हैं। बड़ी उम्र में तो अपवाद रूप में लोग 1-2 भाषाएं सीख पाते हैं बड़ी उम्र में, अपवाद। और सबसे, इससे भी बड़ी बात, भाषाओं से भी बड़ी बात, अपवाद रूप में लोग लगभग 10-20% लोग होते हैं जो बड़ी उम्र में अपने अभ्यासों को परिवर्तित कर लें,
अभ्यास की महिमा कुछ ऐसी है, जैसे मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ, अब मैं यदि बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करूँ तो अभी आपको लिख करके बताता हूँ यह अभ्यास की महिमा क्या है। ये मैंने राम लिखा, आप क्योंकि दूर बैठे हुए इसलिए बहुत जो नज़दीक वाले हैं वो देख पा रहे हैं। अब मैं बाएं हाथ से राम लिखता हूँ तो पहले तो मेरे को लिखने में ही बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा और ऐसे लिखाई आएगी जैसे किसी छोटे बच्चे ने लिखा हो, ये दोनों का फर्क है। तो क्योंकि मुझे दाहिने हाथ से लिखने का अभ्यास है, बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास नहीं, ये तो एक बात कही। अपने शरीर में कम से कम 100 तरह के अभ्यास होते हैं। कितने प्रकार के? कम से कम 100 प्रकार के अभ्यास होते हैं। सोचने का अभ्यास, इसकी धाराएं सैकड़ों प्रकार की हैं। माने सोचना किसके संदर्भ में? जीवन के संदर्भ में, जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं, सफलता क्या है, विजय क्या है, उपलब्धि क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, अनुकूलता क्या है, प्रतिकूलता क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्या मुझे पाना है, क्या मुझे देना, हजारों धाराएं हैं सोचने की, उनके अभ्यास और कुछ नहीं। अभ्यास माने सोचने की थॉट प्रोसेस के जो अलग अलग उसके प्रवाह हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो ही सोचें तो ये सब अभ्यासों का खेल है। विचार की ही सैकड़ों हजारों धाराएं हैं और उनमें छोटे छोटे भेद हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म भेद हैं। ऐसे ही देखने की धारा, दृष्टि के भी सहस्रों भेद हैं। देखने में ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं लेकिन दृष्टि मात्र में, अब मैं आप सबको जो देख रहा हूं, अब आप मैं सबको देख रहा हूं, सबके प्रति मेरी एक विशेष प्रकार की दृष्टि है। मैं एक एक व्यक्ति को देख रहा हूं, उस व्यक्ति के फिर जीवन के 10-20 तरह के पहलुओं के बारे में देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि है। फिर इस दृष्टि में सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता, इस दृष्टि में फिर त्रिगुणातीत दृष्टि होती है। क्या कितने इसमें सूक्ष्म भेद हैं दृष्टि के, ये अभ्यास हैं। ये सब सुनने के कितने जबरदस्त अभ्यास हैं, बोलने के, खाने पीने के, अलग अलग संवेदनाओं के सैकड़ों प्रकार के अभ्यास हैं और वो थोड़ा ऊंचा नीचा होते ही अलग अलग तरह के जीवन में जो हम जी रहे हैं वो सारा हमारे ज्ञान, हमारे संवेदनाओं और हमारे अभ्यासों का परिणाम है। बड़ा जबरदस्त है। सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक के आप किस बात को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वाणी से किस बात को कितना ऊंचा, कितना मध्यम, कितना सहज और अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं में आप कैसे बोलते हैं, कितने हम चाहते हैं। जो मैं अपनी बात कह रहा हूं और मैंने इस बात को दुनिया के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अलग अलग क्षेत्रों में जो शिखर पर लोग बैठे हैं उनसे भी साझा किया इन बातों को। मैंने जिनको समाज में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कहा जाता है, उनसे भी साझा किया इन बातों को। और आम लोगों के साथ में जब मैं इन बातों की चर्चा करता हूं, कहते हैं बात तो ये सच है कि जीवन में बाकी सारी चीजों की महिमा है,
धन संपत्ति ऐश्वर्य और बाकी सब बातें, लेकिन अभ्यासों की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए मैं जीवन को दो भागों में देखता हूँ। एक, हमारे जीवन की भौतिक उपलब्धियाँ, हम MLA हैं, MP हैं, CM हैं, PM हैं, हमारे पास में 100 200 500 1000 10 20 50 हजार करोड़ का, 1 लाख 2 लाख करोड़ का आर्थिक साम्राज्य है। हमारे जीवन में कितने संसाधन हैं, कितनी उपलब्धियां हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अलग अलग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि अलग अलग क्षेत्रों में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन, वो एक पक्ष है। जितना हमारे जीवन में हमारे कर्म की, पुरुषार्थ की, उपलब्धियों की, हमारे योगदान की महिमा है, किसी भी बारे में जब आप बात करते हैं तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है किसी भी फील्ड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, स्पिरिचुअल फील्ड में, आपका क्या कंट्रीब्यूशन। हमारा एक तरफ पूरे जीवन का योगदान, उसकी अलग एक, उसका एक, उसकी एक महिमा है। और मैं उतनी ही महिमा जीवन में अभ्यासों को देता हूँ। इसलिए आपको हमने एक बात कही भी है बार बार यहाँ, एक है हमारा विद्याभ्यास और दूसरा है श्रेष्ठ व्रताभ्यास। तो विद्याभ्यास के साथ, भाषाओं और की कुशलता और सब के साथ, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, श्रेष्ठ संस्कारों में जीने का अभ्यास, श्रेष्ठ वृत्ति में जीने का अभ्यास, जो भी इसके लिए नाम दें, दिव्य चेतना में जीने का अभ्यास, हायर कॉन्शियस में जीने का अभ्यास, जिसके लिए मैं कह रहा था महर्षि दयानंद ने जो एक दिव्य मानव निर्माण की, उसी को अति मानस चेतना से युक्त मानव निर्माण की बात श्री अरविंद ने कही। या पूरी दुनिया में अब इस बात को माना जा रहा है कि खाली मनुष्य को शिक्षित बनाना मकसद नहीं होना चाहिए, खाली मनुष्य को समृद्ध बनाना मकसद नहीं होना चाहिए, वो सच्चे अर्थों में उसके भीतर मानवता आए, ह्यूमिनिटी आए, ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। अब इससे भी आगे लोग यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि उनको मानने वाला इंसान होना चाहिए। और यह प्रयास यदि हम बड़े रूप में इसको परिणामदायी बनाना चाहते हैं तो ये बचपन से होता है। 5 वर्ष की उम्र में लगभग अभ्यास परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। और सब विश्व के दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि जो 5 वर्ष में बच्चा सीख लेता है वो 50 वर्ष तक भी नहीं सीख पाता है। अब बताओ, एक तरफ 50 वर्ष और एक तरफ 5 वर्ष, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। गुरु विरजानंद के पास में कितना, लगभग 35 वर्ष की उम्र हो गई। 35 वर्ष की उम्र में गुरुजी ने कहा जो कुछ पढ़ा है उसको भूल जाओ और जो ये पुस्तकें इनको जमुना जी में बहाओ, ये तुम सारे अनार्ष ग्रंथ लिए घूम रहे हो। किताब यमुना जी में बहाना यद्यपि उतना आसान कार्य नहीं, जिसको जिंदगी भर आपने पढ़ाओ आप कहे कि इसको बहा दो, ये कोई आसान काम है, लेकिन वह भी आसान काम है। लेकिन जो पढ़ा है उसको पूरा नैपथ्य पर रख देना, उसको विस्मृत कर देना, उसको चित्त से हटा देना, यह कार्य कोई अनेक जन्मों का योगी सिद्ध महापुरुष ही कर सकता है, वो महर्षि दयानंद ने किया। हम आपसे सिखाते हैं, आचार्य के पास आते हैं तो आचार्य का पहला रूप क्या है, आचार्यो मृत्युर वरुणाः सोम औषधयः पयः। बड़ी उम्र में जब गुरु के पास शिष्य आते हैं तो कहते हैं गुरु जी कुछ आप हमारे अनुकूल चलो, कुछ हम आपके अनुकूल चलेंगे। छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं जो गुरु जी आप जो है हम खाली हैं पूरे। ये 2-3 साल वाले बच्चे पूरे खाली है, 4-5 साल वाले भी, इनमें 2-4% इनका 2-3% माने 100 GB डाटा माने तो 2-3% ही इनका भी रिकॉर्ड हुआ है,
उसको डिलीट मारना बड़ा आसान है, उसके ऊपर इतना जो है इतना जीबी डाटा उसके ऊपर हम डाल देंगे, कितनी खराब खराब चीजें डालते हैं। बड़ी उम्र में हमारे सामने परिणाम हम देख रहे हैं, अलग अलग तरह के हैं, और कोई बहुत साहसी हैं वो अपने आप को समग्र रूप से रूपांतरित भी कर लेते हैं। मुझे विश्वास है एक तरफ हमारा ये बड़े जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के आ रहे हो, अनेक जन्मों की सात्विक आत्माएं हैं इसमें, अनेक जन्मों से जिनकी यात्रा चल रही है वो ऐसी आत्माएं, ये भी हमारा प्रयोग चल रहा है। फिर ये छोटे बच्चों वाला, आने वाले जो हमने 50 सालों में गिरावट देखी है विद्या के क्षेत्र में भारत में, आने वाले 20-25 वर्षों में उससे भी कहीं उन्नत कोटि की विद्या की परंपरा इस भारत में हम दोबारा स्थापित करेंगे।